अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7, आई होप यू ऑल आर फाइन। मुझे कुछ स्टूडेंट से पता चला कि फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा चैप्टर नंबर 1 में, तो आज हम यही रिवाइज करेंगे टॉपिक। लेट्स बिगिन। स्पंजेस आर वेरी सिंपल एनिमल्स हूज सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज। स्पंज जो से हैं, फॉर एग्जांपल, ये सॉफ्ट होते हैं टिश्यूज, और इन सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जेली की तरह के होते हैं, तो इनके ऑर्गेनाइज नहीं होते, सेल इनके टिश्यूज़ में कन्वर्ट नहीं होते बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। विच वाइल जेलीफिश हैव टिश्यूज बट लैक टू ऑर्गन्स, जो जेलीफिश है उसके बिल्कुल ऑर्गेनाइज ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गए, फिशेस में गिल्स वगैरह, ये नहीं होते इनके अंदर, लेकिन टिश्यूज़ होते हैं। अनलाइक जेलीफिश और स्पंजेस, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स हैव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जो जेलीफिश और स्पंज है, जो सी स्पंज होते हैं, जो सांस लेते हैं, ये भी ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है ह्यूमन बींग्स की तरह, जिनके टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं। एंड सेवरल ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर इवन अनलिंक्ड टू फॉर्म सिस्टम, और इनके बहुत सी चीज़ें जो से होती हैं वो मिली हुई भी नहीं होती, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी नहीं होती इनके स्ट्रक्चर की वजह से, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ईच ऑफ दीज सिस्टम्स इन टर्न परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन, इसीलिए इनका एक सिस्टम एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, जैसे हमारी बॉडी में एक फंक्शन के लिए एक काम होता है, लेकिन इनके एक फंक्शन एक एक बॉडी पार्ट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं बिकॉज ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होते ऑर्गेनिजम्स। नर्वस सेल, नर्वस सिस्टम में जो है आपका आता है ब्रेन, नर्व और स्पाइनल कॉर्ड। फिगर 1.30 कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ये कंट्रोल करता है हरकत हमारे जिस्म की। इंश्योर्स दैट ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द वर्क टुगेदर स्मूथली, और यही जौन सा है पूरे बॉडी में, इंश्योर का मतलब होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना, और इस बात को यकीनी बनाना कि पूरे बॉडी पार्ट के जौन से काम है वो मिल के काम कर रहे हैं और पूरा स्मूथली, यानी कि एक हिसाब के साथ पूरा निज़ाम चल रहा है। अनेबल्स द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, यही जो सा है हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आती हैं वो इन्हीं की वजह से आती हैं, क्योंकि ये उनको ऑर्डर देते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो सा है वो ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर यूजफुल और वेस्ट मटेरियल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव फूड, हजम होने वाला खाना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ज़्यादा और दूसरी चीज़ें और वेस्ट मटेरियल्स, यानी जो हजम नहीं हुआ हुआ होता वो चीज़ें दूसरे पार्ट्स में, यही ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और वाटर और डिफरेंट जो से प्रोटीन, मल्टी मिनरल्स वगैरह हैं वो मौजूद होते हैं, जो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो हार्ट से होकर आर्टरीज और वेन के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। ओके, नेम फिगर 1.32 है डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेक्स फूड डाउन इनटू सिमिलर फॉर्म्स विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारा खाना है वो माउथ से होता हुआ ओसिफेगस में जाता है, ओसिफेगस एक नाली है, खुराक की नाली, उससे होता हुआ स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक हमारे खुराक को और ज़्यादा स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है, वो होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर वो बिल्कुल बिल्कुल ही स्मूथ सा हो जाता है, उसके अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं रहता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म नहीं होती लेकिन ग्राइंडेड फॉर्म में होता है वो बिल्कुल, जो कि रेक्टम में आता है और फिर एनस से बाहर चला जाता है। ओके, फिगर 1.33 स्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर आपका स्कल आता है, रिब बोन, बैक बोन, फिंगर बोन और थाई बोन आती हैं। स्पोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स इट शेप,
जो स्केलेटन है इसके अंदर स्कल को प्रोटेक्ट करते हैं बाकी के बोन्स, और ये हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, एक शेप में रखता है। आपको मैंने बताया था कि जो बैक बोन है वो पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसको बैक बोन कहा जाता है, बिकॉज वो उसकी वजह से ही हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलती है, एक स्ट्रेट पोजिशन में वो खड़ी रहती है। उसकी हेल्प करते हैं रिब बोन्स, फिंगर बोन्स एंड थाई बोन, प्रोटेक्ट्स ऑर्गन सच एज द हार्ट एंड द लंग्स। यही जो स्केलेटल बोन्स हैं, स्केलेटल सिस्टम है, वो हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। वर्क विद द मसल्स टू अनेबल मूवमेंट, ये मिल के काम करती हैं हमारे मसल्स के साथ ताकि हमारी पूरी बॉडी में का जो फंक्शन है वो नॉर्मली चल सके। एक ध्यान के साथ मूवमेंट और सारे काम हम तरीके के साथ कर सकें। मसल्स में आता है आपका मसल्स और वो जो सा है हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ध्यान रखते हैं और बिल्कुल स्मूथली हम अपना काम जो सा है वो करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम अनेबल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। रिस्पायरेटरी सिस्टम नोज, ट्रेशर, ब्रोंकस एंड लंग्स आते हैं, और ये जो सा है बेसिकली ये हमारे जो गैसेस हैं यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल और एक्सहेल करने में मदद करता है, और यही हमारे जो बाकी की बाहर की दुनिया है उसके साथ इसका लिंक होता है। ओके, प्लांट्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जो प्लांट्स हैं यानी कि पौधे ह्यूमन बीइंग्स की तरह हैव सिस्टम एज वेल, इनका भी एक सिस्टम है बाहर की दुनिया के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी तरह। द शूट सिस्टम इज यूजुअली फाउंड अबव द ग्राउंड, जो शूट होता है वो, ये आप पिछले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते रहे हैं कि शूट पार्ट जो है वो अबव द ग्राउंड होता है, जो विजिबल होता है हमें, और उसके अंदर मौजूद होते हैं लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि फूलों वाले पौधे होते हैं उसके अंदर ये पार्ट्स मौजूद होते हैं। द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रूट्स एंड इज यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड, और जो सा जड़ें हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं और वो हमें नज़र नहीं आती, और वो सिस्टम में बहुत ज़्यादा जड़ें पाई जाती हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। टेक